दारू पिलाई किया रेप और उतार दिया मौत के घाट, दो गिरफ्तार। रेप करने वाले एक आरोपी सोनू पर दर्ज हैं चोरी के 37 मुकदमे। सिर में ईंट मारकर की हत्या, फिर फेंक दिया सुनसान मकान में। अपने दोस्त के साथ उसी की रिक्शा में लेकर गए थे दोनों आरोपी। कैथल 29 जनवरी की रात को कैथल के देवगमार पर बने एक प्लॉट के खंडर कमरे में 32 वर्षीय विवाहित मीला का शव मिला था। अगले दिन सुबह मृतका की बहन की शिकायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार व हत्या का केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि सुजुमा निवासी बंटी उर्फ तोतू व कैथल निवासी सोनू ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई कि मृतका की बंटी उर्फ तोतू से दोस्ती थी और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए 29 जनवरी को बंटी ने अपने दोस्त सोनू की ई रिक्शा मंगवाई और उसमें अपने महिला मित्र को बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने महिला मित्र के साथ इकट्ठे शराब पीकर उसके साथ रेप किया और फिर किसी बात पर कहासुनी को लेकर उन्होंने मृतका के सिर में ईंट मार दी और उसे उद्योग मार्ग पर प्लाट में खंडर पड़े एक मकान में फेंक कर चले गए। तब तक मृतका जीवित थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके सिर में ईंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने 3 दिन में इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेस आउट करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से बंटी उर्फ तोतू इस पूरी वारदात का सरगना है। मामले की जानकारी देते हुए DSP उमेश सिंह ने बताया कि मृतका की बहन की शिकायत पर पुलिस ने बंटी उर्फ तोतू सहित 6 लोगों के खिलाफ बलात्कार में हत्या का केस दर्ज कर लिया था, परंतु उनकी जांच में केवल 2 आरोपियों को ही संलिप्तता पाई गई, जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने में मुख्य रोल बंटी उर्फ तोतू का है। दूसरा आरोपी सोनू है, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर चोरी के कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं, जिनको आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये 30 तारीख को सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, एक लेडीज वहाँ मृत अवस्था में पाई है, तो उस पर हम पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा और उसके मेडिकल वगैरह कराया तो रेप की पुष्टि हुई थी और उसमें 302 और रेप का प्रचार में दर्ज कर दिया था। कितने आरोपियां सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने 6 आरोपियों के नाम लिखाए थे, हमने 1 by 1 सभी को वेरीफाई किया था, लेकिन उनमें से एक आरोपी जो बाई नेम था वो बंटी उर्फ तोतू और एक लड़का और सोनू वहीं का जो जखोली अड्डे का रहने वाला है, वह दोनों आदमी इसमें इन्वॉल्व थे, जिनको हमने आज सुबह सुबह जखोली बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। तो क्या हुआ था सर घटना वाले में? इन्होंने जखोली अड्डे के पास है जो जुगी जोफड़िया रहते हैं उनके आसपास इन्होंने कहीं दारू पी है सोनू ने और बंटी उर्फ तोतू ने, और सोनू के पास ई रिक्शा वगैरह थी तो दारू पी के उन्होंने ये लड़की भी महिला भी वहीं से मिल गई और इसको इन्होंने अपने ई रिक्शा में बिठाया और बिठाए गए अपने उद्योग विहार पटेल नगर कैथल की तरफ ले आए। वहाँ इन्होंने किसी खाली जगह पर इन्होंने इसके साथ बलात्कार किया और इन्होंने विरोध किया तो इसका चोट वगैरह मारी और इसको बाद में वहाँ किसी खाली पड़े हुए कोठे के अंदर छोड़कर चले गए और सुबह तक इसकी मौत हो गई। तो कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें हमने 2 आरोपियों गिरफ्तार किया है, सोनी और बंटी। तो क्या बंटी साथ भी क्या रहेगा कार्रवाई? आज इनको हम कोर्ट में पेश करेंगे और इनका पुलिस रिमांड लेंगे और आगे जब जांच सामने आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। 29-30 की रात्रि को एक डेड बॉडी वहाँ गिर जाती और सुबह हमें सूचना मिली कि उद्योग मार्ग पटेल नगर में खंडरात मकान में कमरे में कोई डेड बॉडी पड़ी है महिला की। तो सूचना मिलते ही हम मौके पर गए, पुलिस मौके पर गई और सीन ऑफ क्राइम टीम भी बुलाई हमने, गहन तरह से जाँच की, सारी तफ्तीश की तो उसका आइडेंटिफाई होगी वो बॉडी जो खुली अड्डा झुग्गियों में रहते थे महिला थी, उनके वारिस आ गए थे मौके पर और उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। इसका भी ये जो मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं उनसे यही पता लगा कि ज़बरदस्ती इसको दारू पिलाई गई थी और फिर इसके साथ सेक्स किया था इसे ज़बरदस्ती और इसको फिर मार दिया था। एक आरोपी है सोहन लाल, इसमें जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर चोरी के 37 मुकदमे दर्ज हैं
और दूसरे को कोई अभी रिकॉर्ड आया नहीं। नहीं, इसमें रेप की पुष्टि का ऐसा है, जो पार्सल्स दिए हैं ना आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने, तो वो लैब में जाएंगे, वहाँ की रिपोर्ट आएगी तब क्लियर होगा कि रेप रेप तो हुआ है, मगर कितने लोगों ने किया वो नहीं किया। हाँ, इसमें जैसे 302 376 में तो FIR लोग ही थी, इसमें फिर 377 भी लगाई है आज, तो तो उन्होंने डिस्क्लोज किया है ना, मैं इसमें मानना है उन्होंने 377 का भी अपराध हुआ है। हत्या इसका जैसे ईंट मारी थी सिर में, इसके बैक साइड में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेड इंजरी काज ऑफ डेथ शो किया है डॉक्टर साहब ने। हाँ, इनका आज पेश किए थे 2 मिली, इनका अदालत से 2 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।